अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कश्मीर लाइव में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शेख सहर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला डोडा में जुमा को 3 अफराद जान बहक और 8 उस वक्त जख्मी हो गए जब वो टैक्सी जिसमें वो सवार थे मरमत इलाके में सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। इत्तला के मुताबिक ये मुसाफिर टैक्सी बदरवा से देवनी जा रही थी जब वो लुढ़क कर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। श्रीनगर के मजाफात रिंगरेड के इंडस्ट्रियल स्टेट में वाका रहीम मोटर्स में जुमा को आग जाहिर हुई। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। रहीम मोटर्स में मेकिंग की हैसियत से काम करने वाले इरफान अहमद के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक काम में मसरूफ थे कि बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हो गई जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। ये वाका सुबह 10:30 बजे पेश आया। बानिहाल में लापता खातून की बोसीदा लाश बरामद। रामबन जिले के बानिहाल कस्बे में एक लापता खातून की बोसीदा लाश बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक 38 साल मिश्रा बेगम जौज इरशाद अहमद साकिन बनकूट की लाश चमलूस इलाके में बरामद हुई। मजकूरा खातून माह सितंबर के आखिरी हफ्ते से लापता थी। SHO बानिहाल नईम उल हक ने लाश बरामद होने की तस्दीक करते हुए कहा कि उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि लवाजमात पूरी की जा सके। कोरोना केसों में बतदरीज कमी, मुल्क में 56,336 नए केसेस, जाहिर मुतासिरीन की तादाद 77.61 लाख। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से जुमा को जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 56,336 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासिरीन की तादाद 77.61 लाख हो गई है। उस वक्त मुल्क में कोरोना के कुल 59,591 केस हैं और अब तक 48,497 अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 रियासतों को छोड़कर बाकी 24 रियासतों और मरकज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में आलमी वबा कोरोना वायरस COVID-19 के 91 केस घटे हैं। मुगल शहरा पर टैंकर हादसे का शिकार ड्राइवर और कंडक्टर अलजान। जिला पहुंच को शुभ्रन से मिलाने वाली तारीखी मुगल शहरा पर जुमे की सुबह एक सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक एक टैंकर जो जुम्मू से कश्मीर की तरफ आ रहा था सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरा। ये हादसा पोशीदा इलाके में पेश आया। हुकाम ने कहा कि इस हादसे के नतीजे में टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर ही जान बहक हो गए। महलकिन की शिनाख्त ड्राइवर तनवीर तविंदर सिंह साकने जुम्मू और कंडक्टर मंगल सिंह साकने डोडा के तौर पर की गई है। भारत की दारुलहुकूमत की मौसम में सर्दी का असर बढ़ने के साथ लोगों को दोगुनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आबो हवा रोज बरोज बदतर होती जा रही है जबकि कोरोना वायरस COVID-19 के केसेस में भी गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC ने दारुलहुकूमत की आबो हवा का इंडेक्स जुमे को जारी किया है जो इंतहाई तशवीशनाक है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे आलूदगी की सतह 307 है। रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के मुलाजमीन के राजभवन चलो प्रोग्राम को रंगदार पानी और लाठीचार्ज से नाकाम बनाते हुए पुलिस ने कई मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। जम्मू और कश्मीर यूटी रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कारपोरेशन के मुलाजमीन ड्राइवर और दीगर कंडक्टर जुमेरात को शेर कश्मीर पार्क में नमूदार हुए और वो रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज करने लगे। महकमे स्टेटस में काम कर रहे आज मुलाजमीन ने जुमेरात को यहाँ प्रेस कॉलोनी में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज दर्ज किया। स्टेटस एम्प्लॉज कैजुअल लेबर्स यूनियन के बैनर तले एहतजाजी मुलाजमीन ने नौकरियों की मुस्तकिली के लिए एहतजाज दर्ज किया। अपने मुतालबे को लेकर हाथों में बैनर और प्लेट कार्ड लिए एहतजाजी मुलाजमीन ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से अपने मुतालबात को फौरी तौर पूरा करने का पुरजोर मुतालबा किया।
لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے کل کہا کہ جموں و کشمیر میں برتریوں کے لیے ایک شفاف طریقہ کار پہلے سے موجود ہے، جس کے لیے کسی بھی ملازمت کی خواہش مند کو سرکاری خدمات میں داخلے کے لیے طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ مشیر نے ان باتوں کا اظہار کل لیفٹیننٹ گورنر شکایتی سیل چار چرچ لین سونوار میں اپنے ہفتہ وار عوامی شکایتی عدالت کیمپ کے دوران کیا۔ پولیس نے جموں کشمیر اور لداخ میں اساسوں اور واجبات کی تقسیم، مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بلا نے دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں جموں کشمیر اور لداخ میں اساسوں اور واجبات کی تقسیم کے سلسلے میں جاری کام کا ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جائزہ لیا۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری بی وی آر سبرمنیم، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر ایڈیشنل سیکرٹری جے کے ایل اور وزارت داخلہ کے افسران نے حصہ لیا۔ آج کی سرخیاں اقتدام پذیر، دیجیے اپنی میزبان کو اجازت، کل پھر سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔